जब मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना है जिंदगी में, तो मैंने सीधा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और वहां से मेरे पास में एक जवाब आया कि आप इन्हीं स्कीम के माध्यम से आप जाकर के इन जगहों पर बात करिए, इन्हें लोन मिलेगा। और फिर हमने जब काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ईजी था। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका ओके क्रेडिट में। और आज हम आपके लिए जो ये वीडियो लेकर आए हैं उसके जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का फायदा उठाकर अपना एक छोटा सा उद्योग शुरू कर सकते हैं और उस उद्योग के जरिए आप एम्प्लॉयज भी रख सकते हैं, दूसरों को रोजगार भी मुहैया करा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को समाज में और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद है वो है इस योजना के लाभार्थी जिनका नाम है अविनाश मौर्य। अविनाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इस योजना के बारे में आपको कितना, कहां से पता चला और कितना लोन आपको मिला इस योजना के तहत? एक्चुअली मैम, हमारे इस योजना के बारे में सरकार के ही माध्यम से पता चला, जो उनके अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं कि हमारे ये प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पर हमें मालूम चला। और दूसरा ये कि जब मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना है जिंदगी में, तो मैंने सीधा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और वहाँ से मेरे पास में एक जवाब आया कि आप इन्हीं स्कीम के माध्यम से आप जाकर के इन जगहों पर बात करिए, इन्हें लोन मिलेगा। और वहाँ से मैंने इन सब चीज़ों को पकड़ करके उन जगहों पर गया जहाँ से मिल सकता था। हालांकि मैंने बड़ा लंबे समय तक इंतजार किया और बाद में फिर हमें स्कीम के बारे में जानकारी मिली, हम जाके लोन करा पाए। हमारी जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसके माध्यम से हमने 25 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसमें 5% हमें देना पड़ा था, बाकी 23,75,000 करीब करीब वो हमें मिल गया था। हम आपको बता दें कि इस योजना के तहत अगर आप अपना उद्योग चलाना चाहते हैं तो आपको लगभग 25 लाख रुपए का लोन मिलता है और अगर आप सेवा में निवेश करना चाहते हैं तो आपको लगभग 10 लाख का लोन मिलता है। और इसके अलावा अगर आप उद्योग जो है किसी ग्रामीण क्षेत्र में शुरू करना चाहते हैं तो उसमें 25 से 35% तक होती है। हम लोग अर्बन एरिया में नहीं है, इसलिए हम लोगों को 35% की सब्सिडी सरकार के द्वारा मुहैया कराई। हमारा कैरी बैग का बिजनेस, नॉन वन फैब्रिक बैग जो होते हैं, कैरी बैग, नॉन वन बैग, उनका हम लोग बिजनेस करते हैं। और कितने एम्प्लॉयज आपके अंदर? करीब 5 लोग तो ऑन रोल हैं जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, हमारी फैक्ट्री में यूनिट में काम करते हैं, बाकी 10 लोग करीब जो ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहते हैं, जो अपने घरों से काम करते हैं, हमारा ही काम करते हैं, बैग ही सिलते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं होती, तो जैसा कि आपने बताया कि आपने पीएम को चिट्ठी लिखी और फिर कुछ ऐसी ही चीजें आप दर्शकों को बताना चाहें ताकि अपना एक बिजनेस, अपना एक छोटा सा सेटअप शुरू कर सकें। सबसे पहला ये कि जब भी हम लोग काम करने जाते हैं तो एक इरादा मजबूत होता है तो आपको रास्ते मिल जाते हैं। मैंने पीएमओ को चिट्ठी लिखी, वहां से जवाब आया, मुझे भी बहुत खुशी की बात थी, वहां से मुझे जवाब आया। और फिर हमने जब काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत इजी था, कोई भी है मेहनत करेगा तो आराम से रास्ते सब मिल जाएंगे। और जो आज के युवा हैं वो एक्चुअली मेहनत अगर करेंगे इस क्षेत्र में तो उनको आराम से सब रास्ते खुलते जाते हैं, जैसे जैसे मेहनत करते जाएंगे सारे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। और जो अभी प्रधानमंत्री एक नारा लेके चल रहे हैं आत्मनिर्भरता का, और आपने अपना काम भी शुरू किया है और आपके अंदर एम्प्लॉयज हैं जिनको रोजगार भी आप दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि काफी हद तक आत्मनिर्भर बन चुका है भारत, यहाँ बनने वाला है? मैम देखिए, जहाँ तक आत्मनिर्भर भारत की बात है तो आत्मनिर्भर भारत तो बने जाए, आज नहीं तो कल देश का युवा सुधरेगा और उस समय इन सब स्कीम जो सरकार आज चला रही है वो उन सब स्कीम्स का उनको फायदा जरूर मिलेगा। अभी मैंने ये काम स्टार्ट किया 2.5 साल हुआ है, अभी मुझे और इसमें 2.5 साल काम करना है, उस मुझे पता है कि जैसे ही हम लोग अच्छे से काम करेंगे तो हमें और ग्रांट मिलेगा, लोन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा और हमें सरकार बहुत हेल्प कर रही है। बस ये है कि आपको हेल्प कितनी चाहिए ये आप पर डिपेंड कर रहा है, सरकार तो बहुत बड़ी चिंता कर रही है। कितनी लागत आपकी लग जाती है और कितना फायदा होता है परसेंटेज के हिसाब से? मैं परसेंटेज के हिसाब से क्या, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है तो वैसे भी हम लोग को जोड़ के फायदा मिलता है, और ये है कि आप 10% के आसपास में पकड़ सकते हैं। तो ये थे अविनाश मौर्य जिन्होंने स्कीम का लाभ उठाया और स्कीम का लाभ उठाने के साथ साथ कहीं ना कहीं इनको तो फायदा पहुंचा ही, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर ये भी बने लेकिन साथ ही साथ लोगों को रोजगार दे रहे हैं।
तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं इन सब स्कीम्स के, इन सब पॉलिसीज़ के। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अवेयर रहें कि सरकार किस तरह की योजनाएं चला रही हैं, उस योजना के फ़ायदे क्या हैं और उस योजना का लाभार्थी बनिए, क्योंकि ये सरकार जितनी भी योजनाएं चलाती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके विकास के लिए है, देश के विकास के लिए है, आपके राज्य के चौमुखी विकास के लिए है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन अगले वीडियो के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा कि किस तरह के वीडियोस आप आगे देखना चाहेंगे। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।